तो आज आप लोगों के बीच आए, आप लोग मेरे पिता को जानते हैं, आदरणीय लालू जी को। ये वही लालू जी हैं जिन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था, और आज बीमार है। किडनी मेरी बहन ने उनको दिया, लेकिन डॉक्टर के सलाह पर ज्यादा घूमने फिरने से मना किया गया, लेकिन स्वस्थ है। और चुनाव का मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। लालू जी कभी भी भाजपा के सामने झुके नहीं, बल्कि लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितने भी जुल्म और सितम लालू जी पे धाया गया, केस मुकदमा जेल भेजो, सबसे पहले भाजपा के लोगों ने लालू जी पे ही वार किया, पूरे देश भर के नेताओं पर। लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से झुके नहीं, डरे नहीं। आज के हालात देख लो, मोदी जी किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी को भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा देते हैं। कुछ लोग उधर चले जाते हैं डर से, कुछ लोग लालच से चले जाते हैं, लेकिन मोदी जी भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया लालू जी को झुकाने के लिए, लेकिन लालू जी झुके नहीं, बल्कि ललकारने का काम करते हैं भाजपा को। और भाजपा के लोग अगर सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो हमारे पिता लालू जी से डरते हैं। हमको भी कोशिश किया गया, केस मुकदमा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, कि हम भी टूट जाए, हम भी झुक जाए, लेकिन जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का भी झुकने को तैयार नहीं, भाजपा से डरने को तैयार नहीं, बल्कि भाजपा ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खड़ा है। हम हैं, राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन साहब हैं, देश अरविंद केजरीवाल हैं। देश भर में हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाने का काम किया। क्यों? क्योंकि देश की हालात देख लो आप, मुद्दे पे बात नहीं होती है। मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा अपना दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, किसान का मुद्दा है, रोजी रोटी है, आपका पक्का मकान मिले, ये मुद्दा है। देश की भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब को बचाने का, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, ये लोकतंत्र का पर्व चुनाव है, और असल मुद्दा यही सब है। प्रधानमंत्री जी 10 साल रह लिए, केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बस यही काम, और कोई मतलब नहीं किसी चीज से। चाहते हैं आपस में भाई को लड़ाओ और लड़ा करके राज करो। इस बार पूरे देश की जनता मोदी जी को पहचान गई है, हिसाब ले रही है। 10 साल में बताओ मोदी जी कोड़ा की जनता के लिए क्या किया, कटिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार की जनता और देश की जनता के लिए आपने क्या किया बताइए। 14 में बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, कहां गए रे भाई अच्छे दिन। 19 में आए तो बोले कि किसान का आय दुगुना कर देंगे, कहां हुआ दुगुना। बोले पक्का मकान बना देंगे, कहां बना पक्का मकान पूरे देश में। 24 में आए तो कुछ और कह रहे। मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है, और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी मोदी जी है। अरे मोदी जी गजब का कलाकार आदमी है भाई, क्या अमिताभ बच्चन, क्या शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी जैसा कलाकार आदमी किसी ने नहीं देखा। बताइए, किसान से नहीं मिलना है, काम की बात नहीं करनी है, देश आगे कैसे बढ़े।
महंगाई कैसे खत्म हो, गरीबी कैसे खत्म हो, लोगों को नौकरी कैसे मिले, बिहार में निवेश कैसे आए, कारखाना कैसे लगे। ये बगल में फसल है मक्के का, उधर देखिएगा तो मखाना का, उसके बगल में देखिएगा तो बांस का खेती है। क्या मिल रहा है किसानों को? मक्का लगेगा, फूड प्रोसेस यूनिट लग जाता है, यहां कितना विकास होता है भाई। मखाना अमेरिका में डिमांड है, यहां से मखाना जाएगा, अति पिछड़ा का भाई फोड़ेगा, पंजाब चला जाएगा, पंजाब में पैकेट वैकेट करके इसी को 500 रुपया में बेच देगा। क्या मिल रहा है किसान को? कुछ मिल रहा बताओ? मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन नहीं, क्या बोल रहे, क्या जहर नफरत की भाषा बोल रहे। कल राजस्थान में क्या बोला मोदी जी ने, उसको हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि मुद्दा वो नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं, वो जान रहे हैं 400 वाला फिल्म फ्लॉप हो गया है, 400 हार होगा मोदी जी। काम कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोला, और झूठ भी ऐसा बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। ये काम है मोदी जी का? बताइए, हमारी अति पिछड़ा समाज से आती है बीमा भारती जी, लालू जी ने प्रत्याशी बनाया। यह सीमांचल का इलाका, 4 सीट है, आप देखिएगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, और सीमांचल में सबसे ज्यादा आबादी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की है, मुसलमान भाइयों की है, उसके बाद अति पिछड़ा भाइयों की है। बगल से कांग्रेस ने दिया तारिक साहब को टिकट, किशनगंज से कांग्रेस ने दिया जावेद को टिकट, और हम लोगों ने अररिया से दिया तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे छोटे वाले शहनवाज को टिकट, अब पूर्णिया से हम लोगों ने दिया अति पिछड़ा समाज की बेटी को टिकट। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की आबादी इतनी नहीं, अति पिछड़ा समाज जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोग बिहार नहीं जीत सकते हैं, मोदी जी को नहीं भगा सकते हैं। यह समझने की जरूरत है, सबको एक होना होगा, सबको सम्मान देना होगा। ये बीमा भारती जी है, 5 बार विधायक रहे, पूर्णिया की बेटी है, इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटे के की हत्या हो गई, और इस बार बीजेपी का सरकार गिरा रही थी विधानसभा में तो इनके पति को भी जेल में डाल दिया, दूसरा बेटा 18 साल का है, उस 18 साल के बेटे को भी जेल में डाल दिया। बताओ ये न्याय है क्या? तेजस्वी और लालू जी के लिए, जब आप लोगों के लिए जब ये बहन कुर्बानी दे रही थी बीजेपी को भगाने के लिए, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको हम साथ खड़े रहे, इनको हम सम्मान दें? क्या कर रही थी? आज के दौर में बीजेपी में चले जाओगे तो राजा हरीश चंद्र बन जाओगे, लेकिन बहुत कम जिगर वाला होता है जो बीजेपी छोड़ करके, जदयू छोड़ करके हमारे दल में आते हैं। जिगर चाहिए भाई, जिगर इस बहन ने दिखाया है, लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए आप लोगों से हम आए साथ मांगने, आशीर्वाद मांगने, दुआ मांगने, और हम चाहेंगे कि सीमांचल का 4 सीट आप महागठबंधन के झोली में डालने का काम करें। कटिहार से तारिक साहब को जिताइए, पूर्णिया से बीमा भारती जी को जिताइए, किशनगंज से जावेद को जिताइए, और अररिया से भाई शहनवास को जिताने का काम कीजिए। ये लड़ाई है हम लोगों की, और यही नहीं, आप लोग सब लोगों को बता दें कि ये इलाका गरीब इलाका है, और इस गरीब इलाके के लिए हम सब लोगों को काम करना है।
इस जब तक सीमांचल का इलाका विकास नहीं करेगा तब तक बिहार विकास नहीं कर सकता, और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोगों की सरकार बनेगी तो सीमांचल हो कोसी हो इसके लिए हम लोग कमीशन बनाने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों के दुख दर्द में क्या किया जा सकता है, क्या क्या काम होगा, एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा और आपके हित में हम लोग काम करेंगे। हम परिवर्तन पत्र लेके आए, भागलपुर राहुल गांधी जी आए थे, हम सब लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 25 का आने वाला चुनाव है और मुझे पूरा भरोसा कि वो तो जीतेंगे, लेकिन आप जानते हैं 17 महीने केवल हम डिप्टी सीएम थे। 2020 में हमने वादा किया था, क्या वादा किया था कि 20 में अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 22 में हमको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, नीतीश जी को लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाए? मेरा 80 ML था, उनका 40 ML था, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम लोगों ने त्याग किया क्योंकि भाजपा को हम लोगों को भगाना था। देश भर में भाजपा खरीद फरोख करके कांग्रेस की सरकार को गिरा रही थी, यहां हम लोगों ने भाजपा को गिराने का काम किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बनाया, सीएम नीतीश जी को, और हम लोगों ने केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पूरे बिहार में हम लोगों ने दिया। यही नहीं, जितने तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना किया। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, और यही नहीं हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक कर लिए तो कर लिए, लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई को हम लोग लड़ने आए। आप जनता है, आप मालिक है, आपसे ताकत लेने आए। अगर आप ताकत दोगे तो हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। ये जो जुमलेबाजी की जो पहाड़ बहार बना रखी है इसको हम लोग ढाने का काम करेंगे। शेष आबादी की बड़ी आबादी है, आने वाले समय में यहाँ शेष आबादी के लोगों को भी मौका देंगे, उनको भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जगह देने का काम करेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे। ये काम हम लोग करेंगे। और इसमें क्या है, परिवर्तन पत्र में क्या है, अगर राहुल गांधी जी, लालू जी, विपक्ष के लोग जीतते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितनी यहां गरीब परिवार की महिला हम देख रहे हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहायता उस गरीब बहन को हम लोग करने जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा, 200 फ्री। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे, काम की बात कर रहे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, और स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ होगा, 1,60,000 करोड़, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कितना आएगा रे भाई, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कितना आएगा रे भाई, तो 4,000 करोड़ रुपया आपके गांव के विकास के लिए, आपके तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। तो उधर चाचा को हाईजैक कर लिया सब, भाजपा वाला हिंदू मुसलमान कर रहा है, चाचा जी हमारे गिनती गिन रहे कि लालू जी का कितना बच्चा है। ये चुनाव का मुद्दा है भाई,
नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी ने जो बोला अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में, जो जहर उगला राजस्थान में, नीतीश जी उन्हीं के साथ उन्हीं को प्रधानमंत्री बना रहे, क्या कर रहे हैं भाई? खुद को सेक्युलर बताते हो, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हो, और प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं हमारे भाइयों को। रात चुप्पी साधे में इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है। मोदी जी आप एक दल के नेता नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ की जनता आपकी जिम्मेदारी है और आप जो है उसमें फूट डालना चाहते हो। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा क्या कहीं, जो अपने बच्चों में भाइयों में लड़वा रहा हो केवल किसके लिए? वोट के लिए। सही कहा मनोज झा जी ने, सही कहा महबूब भाई ने कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो सबसे पहले बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है उसको खत्म करेंगे। आप लोग जानते हैं सीए हो एनआरसी हो, बिहार में सबसे पहला हम लोग थे, दल थे जो हम लोगों ने पूरे बिहार बंद का ऐलान किया। लड़ाई लड़े आप लोगों की, सड़क से संसद तक हम लोगों ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ताकत दी। अगर आप लोग ताकत दोगे तो ताकत बढ़ेगी और ताकत आएगी और इनको हम लोग रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए तो हम लोग आए, आपके हित के लिए आए। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस आप लोग दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं, पिछले बार हम सब लोगों ने मिल करके सरकार बनाने का काम किया, हम लोगों ने भाजपा को भगाने का काम किया। इसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए कि बहन जो आंचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं, तो आप लोगों का सहयोग बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बने, यही कामना के साथ हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।